सहसपुर में हुए बहुचर्चित एनआईए अधिकारी तंजील अहमद मर्डर केस में पुलिस की अब तक की कार्यवाही से नाराज धर्मगुरुओं ने अब मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सहसपुर स्थित जामा मस्जिद में उलेमाओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में पहुंचे बिजनौर जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अनवार उल हक ने हत्याकांड को लेकर पुलिस कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस चौकी से महज चंद मीटर की दूरी पर भारत की सबसे बड़ी एजेंसी के अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस अभी तक हथियारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। उन्होंने कहा कि अगर शुक्रवार तक पुलिस ने हथियारों को नहीं पकड़ा तो उलेमा आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे। जामा मस्जिद सहसपुर में सभी सिवारा और आसपास के लोग जिम्मेदार जमा हुए, सभी उलेमा जमा हुए, जिसके अंदर जनाब तंजील अहमद साहब की शहादत को सलाम पेश किया गया। और अफसोस इस बात के ऊपर है कि 50 मीटर दूरी पर जो चौकी है उसके पूरे अमले को और एसओ सिवारा को जिसको इत्तिला दी गई थी अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया, और अभी तक कोई साफ तस्वीर नज़र नहीं आ रही कि आखिर वजह क्या थी शहादत की उनकी। और जिस तरीके से ये लोग सिवारे के और आसपास के कुछ लोगों को उठाकर असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ ज़िला बिजनौर के जिम्मेदार उलमाए किराम ने आज फैसला लिया है कि अगर सहसपुर के चौकी इंचार्ज और उसके पूरे अमले को, एसओ सिवारा को और जो भी अधिकारी थे उनको अगर शुक्रवार यानी जुमे की नमाज से पहले पहले सस्पेंड न किया गया तो पूरा सहसपुर बंद रहेगा, सिवारा बंद रहेगा और पूरे मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर कर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के बाद जामा मस्जिद बिजनौर से और पूरे ज़िले से प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होगा, जो कि उत्तर प्रदेश से होता हुआ हिंदुस्तान के हर एक सूबे के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। सभी संगठन, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे सिख संगठन हो, वो तमाम के तमाम तंजील अहमद साहब की शहादत के गम में डूबे हुए हैं। सब लोग बराबर के अंदर हमारे साथ में हैं, सब लोग साथ में चलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। यूपी पुलिस और प्रदेश सरकार की नींदें हम अब तोड़ कर रहेंगे। बहुत सब्र हो चुका, अब नहीं होने वाला है किसी भी सूरत के अंदर। उधर श्री कल्की फाउंडेशन के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शहीद तंजील अहमद के परिजनों से मिलने उनके सहसपुर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने तंजील अहमद के परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मीडिया से बात करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने घटना को लेकर यूपी सरकार और स्थानीय पुलिस पर भी भड़ास निकालते हुए यूपी सरकार द्वारा तंजील अहमद के परिजनों को दी जाने वाली 20 लाख की मुआवजा राशि को शहीद तंजील अहमद की शहादत का अपमान बताते हुए मुआवजा राशि को कम से कम 1 करोड़ रुपए करने की मांग के साथ उन्होंने कहा कि चूंकि तंजील यूपी के रहने वाले थे और यूपी में ही उनका मर्डर हुआ, इस नाते स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यहां आना चाहिए। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने घटना से महज चंद मीटर की दूरी पर स्थित पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। अफसोस है कि इस देश ने एक बहादुर बेटा खोया है और भारतीय संत समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं इनके इस दुख में शरीक हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस से इंसाफ की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस को सबसे पहले तो यहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए कि 50 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा वाकया हुआ। दूसरी बात है कि तंजील अहमद साहब जो थे वो देश के बहुत बहुत बड़े हमलों में जो अपराधी हैं, आतंकवादी उनके जो ग्रुप हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। तो और जो वारदात दिखा रही है वो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़े अपराधियों का काम है। तो आतंकवादियों और अपराधियों में अंतर क्या है? एनआईए बहुत ही ताकतवर एजेंसी है भारत की। एनआईए के अधिकारी पे इस तरह से हमला होना ये आम बदमाश का काम नहीं हो सकता है, लोकल बदमाशों के बस की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा पे हमला है, ये देश पे हमला है।
देखिए, तंजील अहमद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और भारत सरकार की बहुत ताकतवर एजेंसी में अधिकारी थे। भारत सरकार को भी अपना प्रतिनिधि यहाँ भेजना चाहिए था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए था। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 20 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है, ये शर्मनाक है, अफसोसजनक है। कम से कम 1 करोड़ की मदद इनके परिवार को देनी चाहिए और परिवार की पूरी ज़िंदगी की परवरिश का जिम्मा लेना चाहिए और इसकी जाँच CBI से कराई जानी चाहिए।